ये हमने 23 फंदे लिए हैं, ये कुल 23 फंदे हैं हमारे। तो हमें क्या करना है, पहली सिलाई है हमारी, पहली सिलाई हमने 3 सीधे बना लेंगे, और ये बाकी के उल्टे फंदे बुन लेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 20 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए उल्टी साइड से। अब हमें इसे भी सारी सिलाई को उल्टा बनाकर और जो 3 फंदे हमने सीधे बनाए थे उन्हें हमें सीधा बना लेना है। तो इसमें बना लूँ और इन्हें को तीनों को सीधा बना लेंगे। और ये 3 लास्ट के फंदे हैं, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारा बॉर्डर बनेगा 3 फंदों का। अब हम वैसे ये पहली सिलाई से ये डिजाइन मतलब ये शुरू होगा जो हम बनाएंगे। ये हमारी एक बेसिक रो ही थी, आप उल्टी और ये सीधी साइड में, ये हमारी बेसिक रो है। अब हम पहली सिलाई पे आ गए हैं। पहली सिलाई हमें कैसे बनानी है मैं आपको बता देती हूँ। 3 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। ये 3 फंदे हमारी जो ये बॉर्डर बनेगा 3 फंदों का। फिर उसके बाद हमें क्या करेंगे, एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे ऐसे, यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाना है। अब ये हमारी पहली रो है, एक फंदा हमने बढ़ा लिया। उसके बाद हमें सारी रो सीधी उल्टी बनाते जाना है। जब लास्ट के 3 फंदे बचेंगे तब मैं आपको बताती हूँ वहाँ पे हमें क्या करना है। ये पूरे फंदे हम ये उल्टे बना लें तब तक। अब ये हमारे 3 फंदे रह गए हैं, 1 2 3। ये हमारी सीधी सिलाई है और पहली सिलाई है। इन 2 फंदों को हम घटा देंगे यहाँ पे। अगर इस साइड पे हमने एक बढ़ाया फंदा है तो यहाँ पे एक फंदा हमने घटा दिया, एक, और लास्ट का इसे उल्टा बुन लेंगे। अब हम दूसरी रो पे आ गए हैं। दूसरी रो पूरी हमारी उल्टी बनेगी और जो फंदे हम सीधे बना रहे हैं उन्हें सीधा ही बनाएंगे, उन 3 फंदों को, बाकी फंदों को उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ तक ये उल्टा बनाकर फिर बताती हूँ। और जो फंदा हमने बढ़ाया था उसे भी हमने उल्टा बुन लिया है। अब हम क्या करें, ये 3 फंदे, 1 ये 2 और ये 3, इन 3 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 2 रो गई हैं। अब हम तीसरी रो पे आ गए हैं। पहले के 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे, 2 और ये 3, 3 फंदे हमने सीधे बना लिए। ये हमारा बॉर्डर बनता जाएगा। उसके बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर एक फंदा हम उठा लेंगे। आप जैसे भी उठाते हैं ऐसे उठा के इसे बना लें। एक फंदा हमने बढ़ाना है, जैसे आप फंदों को बढ़ाते हैं आप वैसे बढ़ा लें। और ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही बनेगी और लास्ट में 2 फंदे हमने घटा देने हैं, 2 का 1 कर देंगे।
लास्ट के दो फंदे हम घटा देंगे और लास्ट का स्टिच जो फंदा उल्टा बुन लेंगे। इस तरफ बढ़ाएंगे और इस तरफ घटाएंगे, तो ये हमारी सीधी साइड थी। अब उल्टी सिलाई बनाकर फिर मैं आपको पांचवी सिलाई बताती हूँ। अब हम सीधी साइड से पांचवी सिलाई पे आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाएंगे तो यहाँ पे घटाएंगे। ऐसे करते हुए मैंने चार, जैसे ये धारियाँ बनाई, एक दो, ये दो धारी हमारी बन गई हैं। हमें यहाँ पे 14 धारी बनानी है, 14 या 13 धारी ही बनाऊंगी, 14 ज़्यादा हो जाएगी, 13 धारी बनानी है। एक दो, दो धारी बनेगी, 12 और बनाकर फिर उसके बाद में आपको फिर मैं आगे बताती हूँ। तो ये हमारी 13 धारी बना ली हमने, ये धारी को छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 हमने इस साइड में बनाई है, 13 हमने इस साइड में बनाई है। तो यहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू किए थे, यहाँ से घटाने शुरू किए, जिसकी वजह से ये हमारा डिजाइन ऐसे तिरछा बना है। अब हम क्या करेंगे, इस साइड में फंदों को घटाएंगे और इस साइड में फंदों को बढ़ाएंगे। जो हम ये बॉर्डर के 3 फंदे बना रहे हैं वो हमें यहाँ बनाते ही जाना है, पर यहाँ से हमने घटाना है और यहाँ पर हमने बढ़ाने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 13 सिलाई यहाँ पे हमने बनाई है, 13 इस साइड ऐसे ही ऊपर ऐसी बनती जाएंगी। 3 फंदे हमारे जो बॉर्डर हम बना रहे हैं वो हमें ऐसे बनाते ही जाना है। तीन फंदे हमने बना लिए हैं, 1, 2, 3। अब दो फंदों को हम घटा देंगे, यहाँ पे घटा दिया। बाकी सिलाई हम उल्टी बुनते जाएंगे, जो लास्ट के जब फंदा हो दो बचेंगे तब उससे पहले हम एक फंदा बढ़ा लेंगे। लास्ट के दो फंदे रह गए हैं, अब हम यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लेंगे। ये उल्टा ही बनाएंगे, 3 फंदे ही हमने सीधे बुनने हैं, बाकी के फंदे 20 हैं वो हमने उल्टे ही बुनने हैं। जब हम यहाँ से घटाएंगे, यहाँ पे बढ़ाएंगे, तब भी हमारे 23 फंदे ही रहेंगे। फंदे हमारे ना तो घटेंगे ना बढ़ेंगे, 23 के 23 फंदे ही रहेंगे। अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं, ये पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे, जो 3 फंदे हैं हमारे बॉर्डर वाले उन्हें सीधा बुन लेंगे। अब 3 फंदे लास्ट के रह गए, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं, सीधी साइड फिर वैसे ही बना लेंगे, 3 फंदे हम बॉर्डर के बना लेंगे सीधे, 2 और ये 3 धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर 2 फंदे यहाँ पे घटा देंगे, बाकी के फंदे हम उल्टे बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। तो ये पूरी सिलाई बना लूँ फिर बताती हूँ मैं आपको। अब हमारे लास्ट के 2 फंदे रह गए हैं, एक फंदा हम बढ़ा लेंगे। फिर दोबारा से इस साइड पे आ गए हैं, तो ये उल्टी बनेगी पूरी सिलाई हमारी, 3 फंदों को छोड़ के उन्हें हमें सीधा बुनना है। तो ये सिलाई पूरी करके फिर मैं आपको सीधी साइड पे बताती हूँ। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं,
अब यहाँ पे फंदे हम घटा रहे थे, पहले 3 फंदे सीधे बुन के जो हमारे ये बॉर्डर बनता आ रहा है, तो अब यहाँ पे एक फंदा घटा लेंगे, यहाँ पे फंदा बढ़ा लेंगे। जैसे पहले ये तिरछा ऐसे जा रहा था, अब ये तिरछा ऐसे जाएगा। तो इसे मैं आपको बता देती हूँ, मैं इसे 12 इंच या 12.5 तक बनाऊँगी। ऐसे ही हमें 13 सिलाइयाँ बनाते जानी है, 13 उल्टी सीधी साइड, 13 उल्टी साइड से आगे। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ, इसे मैं 12 इंच तक बनाऊंगी, यहाँ से लेके 12 इंच तक। इसे 12 इंच तक बनाऊंगी, ऐसे ही 13 सिलाइयाँ जैसे मैंने ये बनाई है, दोनों साइड में 13 13 26, तो 13 ही साइड बनाकर, फिर उसके बाद फिर यही वाला जो तिरछापन है जो इधर जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। जब 12 इंच तक इसे बनाकर उसके बाद फिर मैं आपको इस टोपी को सिलना बताऊंगी, तब तक मैं 12 इंच तक इसे बना लूं। तो ये हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि मैंने ये हमारा जो बना है, साढ़े पंद्रह, ये 15.5 के बना है। अगर हम 1 प्लाई ऊन की बनाते तो हमारे 12 12.5 के करीब बनना था, पर मैंने आपको बताना भूल गई कि मैंने 3 प्लाई की ऊन लगाई है, जिसकी वजह से ये 15.5 के करीब बना है। तो हमारी ये पार्ट कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हमें बना लेने हैं। 6 पार्ट ऐसे बने हैं हमारे, और इसे मैंने यहाँ से बंद कर दिया है, ये बंद कर दिया है। और आप जब भी इस ऊन से बना रहे हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा बनेगा, अगर आप 1 प्लाई की ऊन इस ऊन से बनाएंगे तो हमारा ये 12 12.5 के करीब इंच के हिसाब से बन जाएगी ये पट्टी। अब ये हमारी 15.5 बनी, क्योंकि मैंने इसमें 3 प्लाई की ऊन यूज की थी। तो अब हमें क्या करना है, सीधी ये हमारी सीधी साइड है, ये वाली सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, इसे हम ऐसे करके, अब हम यहाँ पे मैंने इसे बंद कर लिया है, इसे आप बंद कर दें, ये पूरा होने के बाद यहाँ पे बंद हो जाएगा। अब हमारी ये उल्टी साइड है, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इन दो पार्ट को जोड़ देंगे, जो हमारे ये वाले ऐसे इन दो पार्ट को जोड़ देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, इन दो पार्ट को जोड़ लेंगे, तो ये मैं जोड़ के उसके बाद यहाँ तक जोड़ लूँ, फिर मैं आपको आगे। तो ये हमने सील दिया है, जिस तरफ हमने बॉर्डर बनाया था इस तरह हमने सिलेंगे, अब इस तरफ सिलेंगे। अब हमें ऐसे नहीं सिलना है इसे, इसे ऐसे सिलना है, जो ये वाला है ऐसे सिलना है इसे यहाँ तक। तो मैं आपको सील के बता देती हूँ, ये त्रिकोण ये है और इस सिले हुए के साथ ऐसे मिला के सील देना है। तो यहाँ तक इसे सील लेते हैं, तो यहाँ तक सील लूँ। तो हमने ऐसे सील लिया है, अब हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला ये त्रिकोण है, इसके साथ ऐसे जोड़ लेंगे ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लेंगे।
पहले मैं इस साइड से कर लेती हूँ, फिर उस साइड में करूँगी। पहले इस साइड पे सिलाई करके फिर इस साइड पे कर लूँगी। तो ये सिलाई पूरी करके फिर मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो ये मैंने सिल दिया है, तो फिर सीधे साइड से ऐसे कर लेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। अब जो ये सिलाई हमारी यहाँ शुरू से चालू होती है, ये हमारा बैक साइड हो जाएगा, और जो इसके बिल्कुल सामने जो यहाँ तक सिलाई हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे हम ऐसे मोड़ देंगे। यहाँ पे ऐसे मोड़ लेंगे। इसे ऐसे मोड़ लेंगे ऐसे, और अगर आपके पास कोई भी बटन हो ऐसे बटन लगा लें। तो मैं इसको यहाँ पे बटन लगा के फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये मैंने बटन लगा दिया है, आपके पास कोई भी बटन आप लगा सकते हैं, मैंने ये वाला लगाया है। तो ये पहनने पर ऐसी लगेगी ये। पहनने पे ऐसे लगेगी। तो ये आपको टोपी ये बनाई है मैंने कैसी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।